ये तू समझ ही नहीं तुझे कितनी बड़ी सजा मिली है, तूने सोचा ही नहीं है कि तू नाक पढ़ रहा था और उतनी देर तेरी जुबान पे रही जब तक पैसों की बारिश होती रही। तू समझा ही नहीं कि तू सिर्फ उस मुरीद से राजी है जो नोट लेके आता है, नेक है या नहीं है, ये तेरे लिए सजा नहीं कि जिस दिन गाहक ज्यादा आए तूने नमाज ही छोड़ दी, ये सजा नहीं तेरे लिए? तू समझे ही नहीं इस बात को, अल्लाह सजा देता है। तूने लाद मांगी, रब करीम ने दे दी, अगर तू पलट के नहीं आया तो फिर वो औलाद तेरे लिए आजमाइश है। तू समझे ही नहीं कि तुझे अल्लाह पाक ने किस कदर आजमा, और दुनियादार दीन के मामले में भी, इबादत के मामले में भी, रियाजत के मामले भी, इन्फाके फी सबीलिल्लाह, हर मामले में दुनियादारी, हर मामले में दुनियादारी। छोड़ दें इसको, कुछ देर के लिए निकला करें, कुछ दुआएं खालस मांगे जिनमें खुदा मांगे, अल्लाह मांगे, अल्लाह का रसूल मांगे। दुनियादारी छोड़ दें कुछ देर के लिए। एक सहाबी है, बुखारी शरीफ सही सनद की हदीस है, कलमा पढ़ा, कुछ दिनों के बाद माल गनीमत आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल तकसीम कर रहे थे तो मेरे हबीब ने उस सहाबी को भी दिया, फरमाया ये रख ले। उसको पैसे दिए हुजूर ने, उसने पैसे हाथ में पकड़े और महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देख रहा है, पता क्या लफ्ज उसकी जुबान पे आए, कहने लगे या रसूलल्लाह मैंने इसलिए कलमा तो नहीं पढ़ा था, मैं पैसे लूंगा। हालांकि तालीफ कल हिस्सा इस्लाम का, जो बंदा नया कलमा पढ़ता था उसको कुछ ना कुछ दिया जाता था क्योंकि उसकी बरादरी छोड़ जाती। कहने लगे हुजूर इसलिए तो कलमा नहीं पढ़ा था कि पैसे आएंगे। नबी पाक ने फरमाया किस लिए पढ़ा था? कहा या रसूलल्लाह मैंने तो इसलिए पढ़ा था कि आप मुझे जिहाद में ले जाएंगे और मैं आपके नाम पर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, मैंने कुछ लेने के लिए नहीं, जान देने के लिए कलमा पढ़ा था। तो हुजूर मेरे लिए मेहरबानी फरमाए, मुझे आप ये दुनियादारी ही दुनियादारी, माल ही माल। हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शरखपुरी रहमतुल्लाह अलैह की वो बात मेरे दिल को छू जाती है। एक आपसे शख्स आके कहने लगा हुजूर मैं पहले गरीब था, फलां जगह मैंने, हाँ ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि शेख जो कामिल होता है वो दुआ करता है अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह ये मेरे पास आया तो इसे कोई कमी भी ना रहे, कोई भी ना रहे। ये तो उसकी अपनी दरवेशी है ना कि वो ये बात कहे, तो अपना रंग है उसका। मियाँ साहब के पास आया तो आके कहने लगा हुजूर मैं फलाने आदमी का मुरीद हुआ, एक कारखाना था, अब चार हो गए। तो आप फरमाने लगे तेरा तो बेड़ा करक हो गया, चाहिए था तेरा एक भी छुड़ाते, तुझे अल्लाह अल्लाह पे लगाते, तुझे और फंसा दिया दुनिया में। ये कौन सी तूने दरवेशी इख्तियार की, और कारखाने बढ़ गए तेरे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया तो उसने आके कहा मैंने आपके साथ रहना है हुजूर, मैंने आपके साथ रहना है। आप फरमाने लगे दुनियादार बन के रहोगे कि दीनदार? कहने लगा जी मैं दीनदार बन के रहूंगा। फरमाने लगे दुनिया की तलब न करना वरना मेरी सोबत में नहीं रह सको। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की, मकान ही नहीं बनाया, एक तकिया, एक प्याला, एक कंबल, जहां रात होती वहीं सो जाते। एक दिन एक शख्स को देखा कि वो ना ढलान बनी हुई थी, पत्थर की पहाड़, थोड़ी सी ढलान बनी हुई थी तो नीचे लेटा हुआ है, आपने कंबल भी सदका कर दिया। कहने लगे आज के बाद जहां ढलान बनेगी वहां सो जाएंगे, कंबल की जरूरत ही कोई नहीं। कुछ दिनों के बाद एक शख्स को देखा कि वो अपने हाथ का तकिया बना के सोया हुआ है, तकिया भी खैरात कर दिया, कहने लगे इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है। कुछ दिनों के बाद देखा कि एक आदमी चुल्लू में पानी पी रहा है, प्याला भी अल्लाह के रास्ते में दे दिया, कहने लगे चल जाएगा काम इसके बगैर। पर मैं दुनियादार बन के ना आना? कहने लगा नहीं साहब मैं दीनदार बन के आऊंगा। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने रख लिया। आप पहले दिन ही कहने लगे चल आ जा रोटी खा ले, तीन रोटियां मंगाई, उसको साथ बिठाया, फरमाने लगे मैं तो एक खाऊंगा तू कितनी खाएगा? कहने लगा जी मैं भी एक ही खाऊंगा। एक रोटी उसने खा ली, एक आपने खा ली, तीसरी रोटी छोड़ के जनाब ईसा अलैहिस्सलाम दरिया किनारे वुजू करने चले गए। वापस आए तो रोटी कोई नहीं थी, अल्लाह के नबी थे जान गए, रब करीम का बंदा भी जान जाता है। इकबाल कहते हैं औलिया क्या हैं जवासी सुलुल कुलूब, कहते हैं रब के वली को टटोला ना कर, वो तो दिलों के हाल भी जानता है। इन्हें टटोला ना कर, गुबार आलूद समझ कर हिकारत से न देख इनको, इन्हीं की ठोकरों से सल्तनत बनती बिगड़ती है। और इकबाल कहते हैं न तीगो तीर में न लश्करो सिपाह में, न तैगो तीर में न लश्करो सिपाह में।
कहते ना तलवार में ना तीर में ना लश्कर में ना फौजों में ना तैगो तीर में ना लश्करों सिपाह में है जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में। तीसरी रोटी किधर है? कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। फरमाने लगे तुझे पता है पर तू बता नहीं रहा। कहने लगा मुझे तीसरी रोटी का पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक हरनी जा रही थी, उसके साथ दो बच्चे थे, आपने एक बच्चा पकड़ा, उसको जिबा किया, लकड़ी जलाई, उसको भूना, उसको भी खिलाया, खुद भी खाया, हड्डियां जमा कर दी। जब वो हड्डियां इस पहलू को जरा समझिएगा, जब खा बैठे हड्डियां जमा, वो हरनी भी खड़ी है, दूसरा बच्चा भी खड़ा है, एक बच्चा का जिबा करके खा लिया, दूसरा खड़ा है, जब पेट भर लिए वो भी डकार लेने लगा सामने, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हड्डियों से कहने लगे चलो उठ जाओ अल्लाह के हुक्म से। हरनी का बच्चा फिर से जिंदा हो गया, वो चला गया, माँ उसको साथ लेकर रवाना। आप फरमाने लगे देख अल्लाह ने मुझे मौजजा दिया है, हमने खा भी लिया है और बच्चा चला भी गया है, हमारे पेट में है भी, और अब तो बता दे रोटी किसने खाई है। कहने लगा जी मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको साथ लेके बड़े तो दरिया के ऊपर, पानी के ऊपर पैदल चलने लगे, दरिया पार कर गए। फरमाने लगे तू पानी पे चलता रहा है, सारा पानी क्रॉस कर गया है, तो डूबा नहीं, अब बता दे रोटी किसके पास है। कहने लगे नहीं पता मुझे पता। अल्लाह अकबर, क्या खूब लफ्ज कह गए सज्जादा नशीन हजरत पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्ला अलैह। बेकदरा कुछ कदर न जाती, खीती खूब तसल्ली हो, ए दुनियादार पुजारी जर दे कुत्तियां दे गल टली हो। सारा दरिया इतना बड़ा देखते हैं लोग जो आते हैं ना दरवेशों के पास, बड़े रंग देखते हैं पर बदलते नहीं, रंग बड़े देखते हैं पर अपने आप को तब्दील। ओ बांझ फकीरों किसे नहीं मारिया, ये हुई चोर अंदर दा हो, देखते बड़ा कुछ है बदलते नहीं, ना बदला। हजरत ईसा कहने लगे मनवा के मैं भी छोड़ूंगा, तू मानेगा। आपने ना रेत कठी की, रेत तीन हिस्सों में रेत जमा कर ली और फिर उस पर कुछ पढ़ के फूका तो वो सोना बन गई, तीन ढेरियां थी रेत की, फूका तो सोना बन गई। आप फरमाने लगे ये सोना तेरा, एक ढेरी तेरी, एक मेरी और तीसरी उसकी जिसने तीसरी रोटी खाई है। कहता जी मैं ही खाधी, मैंने ही खाई, ये तीसरा उसका हिस्सा जिसने तीसरी। कहने लगा मैंने ही खाई है, मान गया। जरा बात को समझे, पानी पे पैदल चला है पर माना दुनियादार है ना, माना नहीं। हरनी का बच्चा जिंदा होता देखा है पर माना, दुनिया काबू आने लगी है तो मान गया। कहने लगा जी मैंने ही खाई है। फरमाया ओ भले मानस, तुझे कहाँ था, दुनियादारी ना करना तुझे जनाबे ईसा की सोबत मिलेगी, पर तू तो एक रोटी पे रह गया यार, कहाँ दुनियादार पुजारी जर दे कुत्तियां दे गल टली हूं, कहाँ रह गया था। हजरत मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह ताला ले को एक शख्स ले गया टांगे पे बिठा के, टांगे पे। गुलाम रसूल मेहर साहब ने लिखा है कि वो टांगे पे बिठा के ले गया और ले जाके ना तो मियां साहब जी हुजूर ये जमीन भी मेरी है, ये भी मेरी है, वो भी मेरी है, ये भी मेरी है, बड़ी उसने तफसील सुनाई। तो मियां साहब फरमाने लगे बस कर यार, मैं बड़ी देर से सुन रहा हूँ कि तेरा बड़ा कुछ है, बस कर। कहने लगा हुजूर नहीं, ये भी तो मैंने थोड़ी दिखाई है, और भी मेरे पास बड़ा कुछ है। तो आप फरमाने लगे ये बता तुझसे पहले किसके पास था, चुप कर गया। फरमाया उससे पहले किसके पास था, चुप कर गया। क्या खूब फरमाया, क्या दरवेशों का कहने का अंदाज है, क्या खूब रंग है और तशबीह किस तरह की आला देते हैं। दानशमंदा दकम नाही दिल दुनिया नाल लाणा, इस वोटी कई खामंद कीते जो कीता सो खाना, इस वोटी कई खामंद कीते जो कीता। ये दुकान मेरी है तो पहले किसकी थी, उससे पहले किसकी थी, ये गाड़ी मेरी है तो उससे पहले किसकी थी साहब, ये किसी न किसी की थी और तेरे बाद भी किसी न किसी की हो जाएगी। इस वोटी कई खामंद कीते जो कीता सो। हजरत ईसा कहने लगे तूने एक पैगंबर की सोबत जाया कर दी सिर्फ दुनियादारी के लिए,
फरमाने लगे मैंने क्या करना है सोना, तू तीनों के तीनों ढेरियां तू ही रख ले, तेरी हैं, पर तूने ज्यादती की, तूने कीमत नहीं डाली हमारी सोबत की। आप उठ के चले गए। सहरा का इलाका था, वो शख्स वहीं बैठा था, अभी समेट ही रहा था कि दो डाकू आ गए, तलवारें पकड़ी हुई हैं। कहने लगे चल दौड़ जा, सोना मारा है, तू किधर से आ गया? मिन्नत की। कहने लगा चलो मेहरबानी करो, तीन ही सौ में है, दो ले लो, एक तो मुझे दे दो, एक तो दे दो। मिन्नत करने लगा, वो मान गए। कहने लगे चलो ठीक है, दोस्ती कर ली, नाम पता पूछ लिया, गुफ्तगू होने लगी। थोड़ी देर बैठे तो एक दूसरे से फ्रैंक हो गए, बेतकल्लफी शुरू हुई। तो कहने लगे भूख बड़ी लगी है, रोटी तो लाओ। एक को भेजा, डाकुओं में से एक को भेजा खाना लेने, वो खाना लेने चला गया। अब ये दोनों पीछे रह गए, एक वो रोटी खाने वाला और एक डाकू। तो आपस में कहने लगे यार ये तेरा पूछता है, वो रोटी खाने वाला, तेरे इसके साथ क्या ताल्लुक है? कुछ भी नहीं, डाकू डाकू सज्जन है। कहने लगे ऐसे इतना सोना इसे दे रहे हो? आता है तो दोनों पकड़ के मार देते हैं इसको, और सोना दोनों आधा आधा बांटते हैं। बिल्कुल ठीक है, मेरा कौन सा चचा का बेटा है, छोड़ो। वैसे इस दौर में चचा के बेटे भी पकड़ ही लेते हैं अगर कभी मसला बन जाए तो। चलो जी, फैसला हो गया। अब वो जो गया वो भी तो दुनियादार था ना, उसने खाना खरीदा तो उसने कहा मेरा कौन सा इनसे यराना है, उसने रोटी में जहर डाल दिया। उसने कहा मैं इनको मारूंगा और सारे सोने पे कब्जा करूंगा। हुब्बुद दुनिया रासतुम मिन कुल्ली खतिया, हर बुराई की जड़ है। वो खाना लेके आया, अभी उसने रखा ही था, दोनों ने हमला कर दिया, पकड़ा और मार डाला, वो मर गया। अब ये मजे से बैठ के रोटी खाने लगे, सैर हो के पेट भर के रोटी खाई। चंद लम्हे गुजरे तो धड़ाम से रूह परवाज कर गई। हजरत ईसा एक घंटे के बाद गुजरे, तीन लाशें पड़ी और सोना वैसे का वैसा पड़ा। ऐस वोटी कई खामन कीते, जो कीता सो खाना, सोना वैसे का वैसे पड़ा है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम खड़े होके अपने हवारियों से कहने लगे इसको कहा था, इसको कहा था तू सोबत हासिल कर, दुनियादारी से बच, लेकिन इसने दुनियादारी को फौकियत दी, एक पैगंबर की सोहबत को फौकियत। आज नुकसान ये हुआ है कि खुद मरा है और दो लाशें और भी इसने साथ इकट्ठी कर ली। दुनियादारी से बच जाए, इससे बचे जरूर।